नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज खबर प्रयागराज से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अभिषेक दीक्षित द्वारा लॉकडाउन के विषय में लोगों को जागरूक और लॉकडाउन पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके विषय में जानकारी दी गई। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज कमलेश सिंह की रिपोर्ट। 55 घंटे का लगाया गया है, उसके दौरान कितने जगह पिकेट, पुलिस की क्या तैयारियां हैं और अब तक जो दूसरा दिन है आज पुलिस ने कितने लोगों को कार्रवाई की है, कितने लोगों को पाबंद किया और क्या की फोर्सेज डिप्लॉयमेंट है। लॉकडाउन का ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है इसमें पुलिस की पूरी तैयारी है। असल में प्रायः ऐसा देखने में आ रहा था पिछले कुछ समय में कि लोग लॉकडाउन के नियमों का या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का, मास्क पहनने वाले दिशा निर्देश का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। इसके चलते पुलिस लगातार लोगों को अवेयर कर रही थी, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा था कि गंभीरता लोगों में कम हुई है। तो अब इस लॉकडाउन में पुलिस ने सघन अभियान चालू किया है। करीब 212 नाकों पर हमने बैरियर लगाए हैं जहां हम सघन चेकिंग कर रहे हैं। अति आवश्यक कार्य से ही लोग निकले तो ठीक है, अन्यथा अगर बिना बात के लोग घूमते हुए पाए जाते हैं तो उन पर 188 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम कराया जाता है। इसी तरह बिना मास्क के अगर लोग जाते हैं तो उन पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाती है। तो दो तरह की पॉलिसी हमने अपनाई। एक तो सबसे पहले हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अभी भी इस चीज के लिए लगातार अभियान चल रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से तमाम जो मुख्य चौराहे हैं उन पर हम ये लगातार अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि शासन के क्या दिशा निर्देश हैं और पब्लिक को क्या चीज, क्या किन नियमों का, किन दिशा निर्देशों का पालन करना है। अगर उसका पालन नहीं करते तो हमारी तरफ से क्या वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में हम लोगों को लगातार सचेत कर रहे हैं। जो लोग इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कल पहले दिन तकरीबन 5000 लोगों पर हमने मुकदमा कायम किया जिन्होंने फेस मास्क नहीं लगाया हुआ था, उनको लगाना चाहिए था। तो इस तरह से पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। लोगों से मेरी अपील है कि शासन प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आए हैं उनका पूरी तरह पालन करें। ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए, उनके अपनों की सुरक्षा के लिए, हमें किसी खिलाफ कार्रवाई करने में कोई प्रसन्नता नहीं होती। जो समाज के हित में है वही कार्रवाई हम करना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा जनता से भी अपील है, ये निवेदन है कि कृपया सारे दिशा निर्देशों का पालन करें।